यूनिक इंडियंस और एनबीएससी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में यूनिक इंडियंस अवार्ड 2021 का जयपुर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरि प्रसाद शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड IAS, डॉक्टर समित शर्मा IAS, राजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर शालिनी तोमर गर्सा डायरेक्टर दाना शिवम हॉस्पिटल ने मंच को सुशोभित किया। अतिथियों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। होटल गैलेक्सी इन सीकर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नवोदित 27 IAS अधिकारियों का सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम के आयोजक NBSC डायरेक्टर मनीष शर्मा, राजकुमार निठारवाल एवं यूनिक इंडियंस डायरेक्टर चंदा शर्मा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आमंत्रित अतिथियों के सहयोग व अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही सभी नवोदित IAS अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करी। साथ ही इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने नवोदित प्रतिभाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों व उनके निदान के बारे में अवगत कराया। साथ ही पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर बात करी व अपने विचार व्यक्त किए। यूनिक इंडियंस अवार्ड 2021 से सम्मानित होने के लिए अब आपके सामने आ रहे हैं नवोदित IAS अधिकारी मुकेश धनखड़। इन्होंने अपने पिता महेंद्र सिंह धनखड़ का ही नहीं बल्कि गांव के ठाणा व पूरे झुंझुनू क्षेत्र का नाम रोशन किया है।